साहब वो हाथ से फिसल गया साहब। नहीं, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई दो हफ्ते बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, यानी कि दो वीडियो मैंने मिस कर दिया अपलोड करना तक, क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। अभी जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है, ओके है। तो आज मैं अभी रंगोली मॉल जा रहा हूँ और वहाँ पे मूवी देखना है कबीर सिंह। और रंगोली मॉल जो लोग नहीं जानते वो मैं बता दूँ कि बेलूर हावड़ा में एक इलाका है, वहाँ पे है, जहाँ पे आपको बेलूर मठ भी मिलेगा देखने को। और वहाँ पे एक रंगोली मॉल भी है, बहुत फेमस मॉल है। वहाँ पे अब अपने फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जाके अपना एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मूवी देखते हैं। वहाँ पे आईनॉक्स सिनेमा हॉल भी है, तो मैं कबीर सिंह मूवी देखने जा रहा हूँ। तो फटाफट पहले हम तैयार हो जाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। सो गाइस, हो गया आपका भाई तैयार और अब हम फटाफट बाइक लेके निकलेंगे रंगोली मॉल की तरफ। तो बीच में जो भी सिनेमैटिक सीन है वो आप इंजॉय करिएगा। तो आओ यार, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये रही बजरंगी हमारी घड़ी और ये है हमारे बाबा भोलेनाथ, जय जगत पिता परमेश्वर। और भाई ये मैंने मेरे मेहनत की कमाई से ख़रीदी है, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, बहुत टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाता हूँ। तो अभी हम फ़िलहाल जाएंगे मेरी इसी बाइक पे सवार होकर रंगोली मॉल। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं अभी रंगोली मॉल पे। तो एक प्लस पॉइंट क्या है आपको रंगोली मॉल आने का, कि अवनी मॉल में आप जाएंगे तो अगर बाइक वगैरह पार्किंग करते हैं तो घंटे के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे एक बार जो भी चार्जेस लेना था वो ले लेते हैं और फिर दिन भर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। और ये पीछे का इस तरफ देख रहे हैं, ये है रंगोली मॉल, काफ़ी बड़ा है। अंदर से जाके आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ का। आपका भाई सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे हल्दीराम भी है, तो हल्दीराम इज़ माई फेवरेट, बिकॉज वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है काफ़ी शानदार चीज़ें मिलती है और मेरी मनपसंद चीज़ें मिलती है, तो पहले हल्दीराम में जाएंगे। अभी आ गए हैं हल्दीराम, मैंने एक प्लेट क्लब पे छोड़ी और
एक प्लेट मिनी समोसा बुक किया है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो हावड़ा के जैसे लोकेशंस में ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो रवोली मॉल में है काफ़ी अच्छा है, आप आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। अभी जो है मिनी समोसा आया है, माय फेवरेट, तो भाई अब खाएंगे मिनी समोसा खाएंगे। अभी हल्दीराम का कोई मतलब तोड़ नहीं है, सुपर। मेरे पीछे रहा हल्दीराम, खाना वाना हो गया और अब जाएंगे मूवी देखने के लिए। आईनॉक्स शायद सेकंड या शायद थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे आई थिंक, कितना बार आया गया हो बट भूल जाता हूँ कि कौन से फ्लोर में रहता है। जब भी आप ब्लॉगिंग करने निकलते हो ना, पब्लिक का रिएक्शन बहुत तगड़ा रहता है, देखते रहते भाई अगर ये क्या हो गया, कौन से ग्रह से आ गया जानवर या एलियन। तो चलो यार मॉल में जाते हैं। भाई क्या मूवी था यार, सुपर मूवी, सुपर फंटास्टिक मूवी यार। मैं अभी घर आ गया हूँ और मूवी जो मैं देखा हूँ यार ना, कमाल का मूवी देखा हूँ, मतलब पलक तक नहीं झपकी है उस मूवी को देखने के लिए यार। सुपर मूवी, सुपर यार, मतलब जितना सुपर बोलूँ उतना कम है। इस मूवी को यार देखने के लिए मतलब दो तीन बार जाए तो भी कम है यार। मतलब वहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई थी यार, कंटिन्यू सिटी मार रही है, आवाज़ कर रही है, हंसी ताली, मतलब यार इतना फुल एनर्जी मूवी। तो इस मूवी में क्या है कि एक्चुअली शाहिद कपूर जो है एंग्री यंग मैन का रोल निभा रहे हैं, बहुत ही तगड़ा, उनको गुस्सा आता है हर बात पे। तो उनकी एक लव स्टोरी भी होती है उसमें, उसके बाद फिर वो हीरोइन छूट भी जाती है, फिर उन्हें लास्ट में मिल जाती है। मतलब मैं अगर पूरी मूवी आपको बता दूंगा तो आप मूवी जाके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं बोलूँगा यार जाके मूवी देखो यार। उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपको मूवी कैसा लगा, मैंने जो रिव्यू दिया वो अच्छा था कि नहीं आया था। सुपर मूवी यार, माइंड ब्लोइंग मूवी, फुल एनर्जेटिक मूवी, और देखने के बाद पूरा लगेगा कि हाँ यार जो मैंने समय दिया, जो मैंने पैसा दिया, पूरा फुल पैसा वसूल मूवी है। सुपर मूवी, जो भी भाई इस मूवी को डायरेक्शन दिया है, जो भी इस मूवी की स्टोरी को लिखा है यार, थैंक्स अ लॉट फॉर एंटरटेनर्स, सुपर मूवी। तो भाई इसी के साथ ब्लॉग खत्म करता हूँ और मिलते हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड में एज सून एज पॉसिबल। और तब तक के लिए भैया कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस। Get away, telling you can break me, you fake me, you take me, you break me, you never gonna get away.